हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अपने थंबनेल को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं या फिर अपना थंबनेल कैसे बनाएं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस है और सर्च करने पर भी कई सारी आती है, पर अपन उसी को ओपन करते हैं जिसका थंबनेल अपन को सबसे बेस्ट लगता है। तो जैसे ये थंबनेल है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये स्टिकर कहाँ से ऐड किया, ये मैंने किस तरह से लिखा, ठीक है, ये किस तरह से लिखा, तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको एजुकेटर से रिलेटेड और वीडियो देखनी है, जैसे अनअकैडमी पर डाउट एजुकेटर कैसे बने, लैपटॉप से लेक्चर कैसे बनाए, OBS स्टूडियो को अपन कैसे इंस्टॉल करें, साउंड मैनेजमेंट उसमें कैसे करें, या जो भी एक एजुकेटर को प्रॉब्लम आती है यूट्यूब पे आने के बाद, तो मैंने सारी वीडियोज जो है एक प्लेलिस्ट बना के डाल रखी है। एजुकेटर नाम से प्लेलिस्ट है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, सबसे पहले अपन को क्या करना है, YouTube के रेशियो की इमेज लेनी है। 16:9 रेशियो होता है। तो सबसे पहले चलना गूगल पर, यहाँ पे लिखना ब्लैंक इमेज और कोई भी ब्लैंक इमेज सिलेक्ट कर लेना, जैसे ये मैंने सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब मैं इसके विजिट पर जाता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं भी मिल रहा है तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा इस तरह से। ठीक है, अब मैं स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको क्रॉप कर लूँगा, सिर्फ मुझे ब्लैंक इमेज चाहिए। ठीक है, ये ब्लैंक इमेज मेरे पास आ गई और मैं इसे सेव कर लूँगा। अब मुझे चलना है इनशॉट एप्लीकेशन में। ठीक है, यहाँ पर मैं आऊँगा। आजकल नए फ़ोन आ रहे हैं तो उनकी गैलरी में सीधा ये रेशियो मिल जाता है यूट्यूब का। आपको आना है फ़ोटोज़ पर, आपको ये ब्लैंक फ़ोटो सिलेक्ट करना है। यहाँ से इस ऑप्शन पर जाना था, मैं बैक करके बता देता हूँ आपको, इस ऑप्शन पर कैनवास। ठीक है, इस पे जाकर 16:9 के रेशियो सेलेक्ट कर देना है। अभी 16:9 के रेशियो में हो गया, आपको सेव कर लेना है। ठीक, अभी आपकी इमेज हुई 16:9 के रेशियो में। ठीक, अभी जो इमेज हुई, अब इसको मैं इंस्टाग्राम पे ओपन करता हूँ या कहीं भी ओपन कर लेता हूँ। तो अभी मैं इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन में हूँ। आपको यहाँ पे स्टोरी पे क्लिक करना है, जो भी अपन ने रेशियो लिया था उस इमेज का, ये रहा वो 16:9 वाला। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टिकर्स लगाने हैं। जैसे मेरा टॉपिक है कि ई सिग्नेचर कैसे करें, तो आपको यहाँ पे लिखना है हाउ, क्योंकि अपन कैसे करें यही पूछ रहे हैं ना, तो हाउ। ठीक है, इस तरह से हाउ, और फिर यहाँ पर ई सिग्नेचर कैसे करें। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है और आपको ये डिफरेंट टाइप्स में मिल जाएगा। देखो, स्लाइड करते जाओ अलग अलग वैरायटी में, जैसे आपको पसंद आ रहा है। ये भी सही है वैसे, और एक ये भी सही है, तो यही रख लेते हैं फिलहाल। कलर चेंज कर सकते हो आप, और भी चेंज कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो जैसे ये मैंने रख लिया फिलहाल, ये सिग्नेचर कैसे करें हाउ। ठीक है, कंफ्यूज वाला रखना है हाउ हाउ। ठीक है, इसको सही लगेगा, ये सही रहेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका फिर से स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे ये थोड़ा एक्शन सही होता है इसका, और ये ऐसे थोड़ा नॉर्मल एक्शन होने दो इसका, फिर लेते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये ठीक था, तो हाँ वैसे ठीक ही है। तो आपको क्या करना है, बैक चलना है और आपको आ जाना है गैलरी में जहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, यहाँ पर ये रहा ई सिग्नेचर कैसे करें। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को मेरा फ़ोटो लगाना है। तो फोटो लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आपका फ़ोटो सिलेक्ट करना है कि कौन सा फ़ोटो आपको लगाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेरे को कौन सा फ़ोटो लगाना है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मेरे को इसका बैकग्राउंड हटाना है, ठीक है, इस इमेज को मेरे को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मेरे को सबसे ऊपर मिल जाएगा। अब मेरे को चलना है बैक। अभी तक अपन ने क्या करा, सबसे पहले अपन ने 16:9 का रेशियो लिया, उसमें फिर अपन ने इंस्टाग्राम से एक दो GIF और वर्ड्स ऐड करे। फिर मैंने क्या करा, अपना फ़ोटो लगाना है मेरे को, तो मेरे को चलना है गूगल पे, यहाँ पे लिखना है मेरे को remove.bg, bg का मतलब बैकग्राउंड। अपलोड इमेज पे क्लिक करना है, उसके बाद अब क्या करना है, अपलोड इमेज पे वापस क्लिक करना है, और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ब्राउज़र पे जाना है और अपना अभी का स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया, ठीक है, रिसेंट्स में जाकर ये रहा, इसको क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अपने आप जो है बैकग्राउंड को रिमूव कर देगी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक क्लिक करना था। ठीक, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, आपने किसी भी तरह की मेहनत नहीं करी,
सिर्फ एक सिंगल क्लिक किया और बैकग्राउंड जो है रिमूव हो गया। अब आपको क्या करना है, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है ऊपर अपना PNG, इसको बोलते अपन PNG, ठीक है। अब अपन को चलना है गैलरी में, तो गैलरी में ये अपन ने स्क्रीनशॉट ले रखा था, यहाँ पे अपन को 3 डॉट पे क्लिक करके ओपन इन फोटो एडिटर प्रो पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है फोटो एडिटिंग खुल जाएगी। डेकोरेशन में जाके इमेज पे सिलेक्ट करके इमेज को ऐड कर देना है इस तरह से। ये आपने इमेज को ऐड कर दी, मैं एक रफ बता रहा हूँ यहाँ पर बस, ठीक है। तो इस तरह से इमेज को ऐड कर दिया आपने यहाँ पर और इस पर क्लिक कर दिया, ठीक। अभी ये आप यहाँ से मत देखिए, देखिए यहाँ से आप यहाँ से मत देखिए इसको, क्यों, क्योंकि ये इतना ही जाएगा फोटो में, इसलिए मैंने इसको नीचे कर दिया क्योंकि ये नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपना फोटो ऐड कर सकते हैं, आप अपने जो आपका कैप्शन है या फिर आप जो बोल रहे आपका टाइटल है आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से, आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं इंस्टाग्राम से। और इसी तरह से मैंने एक बनाया हुआ है, ठीक है, मैंने कई सारे बनाए हुए हैं, हालांकि देखिए ये भी मैंने लेटेस्ट बनाया हुआ है कि ई सिग्नेचर कैसे करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये PNG डाउनलोड किया था, फिर ये PNG डाउनलोड किया, ठीक है, और ये मैंने इसी तरह से अपना फ़ोटो ऐड किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंस्टाग्राम की मदद से कि ऐसे करें ई सिग्नेचर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड रिमूव करना आना चाहिए, फिर आपको अपना फ़ोटो ऐड करना आना चाहिए, फिर आपको PNG डाउनलोड करते आना चाहिए और इंस्टाग्राम से स्टिकर अच्छे से ऐड करता आना चाहिए आपको। अगर आपको ये सब आता है तो आपका थंबनेल काफ़ी अट्रैक्टिव बनेगा। देखिए मैंने काफ़ी सारे बनाए हुए हैं थंबनेल, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, और भी काफ़ी सारे मैंने बनाए हुए हैं। ये देखिए आप यहाँ पे, ये मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था, तो देखो यहाँ पे मोबाइल से लेक्चर कैसे बनाए, तो ये सब मैंने इन्हीं की मदद से बनाया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपको जो है थंबनेल अट्रैक्टिव बनाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव थंबनेल उतना ही आपको व्यूज आएंगे। तो चलो चलते हैं YT स्टूडियो पे और इसको अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मैं एडिट पे जा रहा हूँ और ई सिग्नेचर कैसे करें मेरी ये वीडियो है, ठीक है, और मैंने इसके लिए पहले से ही बनाया हुआ है ई सिग्नेचर कैसे करें, ठीक है। हमें कोई हल्का सा एडजस्ट करना है, रेशियो तो 16:9 है ही सही, तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, ठीक है, और मैं इसको अब कर दूंगा सेव। तो इस तरह से अब क्या होगा कि व्यूवर्स जो है अट्रैक्ट ज़्यादा होंगे, क्योंकि अपन को सिंपल है कि हाँ अपने को दिख रहा है कि ई सिग्नेचर कैसे करें, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है अपने को, अपने जो थंबनेल होता है उसमें अपने को मेन बातें लिखनी है, जैसे ऐसे करें ई सिग्नेचर, PDF बता दी कि हाँ PDF पे करना है, मोबाइल के थ्रू करना है और मैं बता रहा हूँ बस, और एक साइन मैंने दे दिया। तो कम से कम लिखना, कम बात और ज़्यादा समझ में आ जाए सामने वाले को कि हाँ ये अच्छी होगी, ऐसी वीडियो आपको बनानी है, ऐसे थंबनेल आपको बनाने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।